जय जोहार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, संपरीक्षा, विवाद एवं निर्वाचन, ये आपका हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन का पार्ट फोर है। उसमें कि ये विभिन्न टॉपिक हैं, तो वहाँ से इसको उठाया गया है। तो इसमें हम बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं, वीडियो को देखिए। सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, धारा 9। कौन सी धारा? धारा 9। यहाँ पर देखिए, जिला सहकारी समितियों का पंजीयन जिला कार्यालय, संभाग सहकारी समितियों का, स्तरीय सहकारी समितियों का पंजीयन संभागीय कार्यालय, और राज्य स्तर, देखो जिला, संभाग और राज्य, राज्य का कहाँ होता है? मुख्यालय। तो ये आपको याद रखना, जिला स्तर की सहकारी समितियों का पंजीयन जिला कार्यालय, संभाग स्तरीय सहकारी समितियों का पंजीयन संभाग कार्यालय, और मुख्यालय राज्य स्तरीय सहकारी समितियों का पंजीयन मुख्यालय में होता है। सहकारी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन द्वारा निम्नलिखित किया गया है। देखिए संशोधन, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, पहले 20 व्यक्तियों की जरूरत रहती थी, अब 10 सरल कर दिया गया है। पहले 90 दिन लगते थे, अब 45 दिन लगते हैं, आधा आधा कर दिया गया है। 2022-23 में सहकारी समितियों की संख्या 278, ओके, समितियों की संख्या 278। आगे बढ़ते हैं साथियों, सहकारी संस्थाओं में लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की संपरीक्षा धारा 58, लेखाओं की संपरीक्षा धारा 58 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के लेखों की परीक्षा संबंधित प्रावधान में संशोधन किया गया है। समस्त सहकारी सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों एवं कार्यों का विवरण संपरीक्षक या रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इमेजिन करिए कि ये भाई साहब हमारे क्या हैं, संपरीक्षक हैं। धनिया भैया नाम है इसका, क्या है? धनिया। संपरीक्षक या रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या पंजीयक, इन्होंने मान लीजिए समारोह को क्या किया है, एक प्रशासनिक अधिकारी है, इसको नियुक्त किया है कि ये जो है आपका क्या करेगा, ऑडिट करेगा। तो ये आपका क्या रहेंगे, ये अनुमोदित व्यक्ति ही वो करेंगे, ऑडिट करेंगे। सहकारी सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों एवं कार्यों का विवरण संपरीक्षक या रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ये आपके ऑप्शन में देगा ही। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, धारा 58, धारा 1960 की धारा 58। रजिस्ट्रार ऐसे किसी व्यक्ति को पैनल में शामिल नहीं करेगा जो भारत सरकार के सनदी लेखाकारों, ध्यान दीजिए, सनदी लेखाकारों लिख लीजिए, सनदी लेखाकारों, लेखाकारों, सनदी लेखाकारों की संस्था संपरीक्षा का सदस्य नहीं है। मतलब सनदी लेखाकार इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट, ध्यान दीजिए, सनदी लेखाकार हो गए। उपधारा एक के अनुरूप सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा। कैसा निकाय द्वारा किया जाएगा? साधारण निकाय। और कैसा? रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त या संपरीक्षक, संपरीक्षक ऑडिटर के द्वारा किया जाएगा। संधि लेखाकारों की संस्था संपरीक्षा का सदस्य नहीं है, वो नहीं करेगा। मतलब संधि लेखाकारों के में जो रहेगा वो करेगा, और साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सहकारी समितियों के विवादों का निपटारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में निम्न धाराओं द्वारा इसके विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, 55, 76, पीछे हो जाओ, 55, 77, कैमरामैन फोकस करो, बीच में क्या है, बीच में 20 का अंतर है। अब इसका मध्य वाला जो है 67, तो 67 ना लेके हम यहाँ पर 64 कर रहे हैं। धारा सहकारी सोसाइटी के लिए 1960 में जो अधिनियम आया था, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, तो ये आपका क्या है, उसमें किन किन धाराओं में आपका विवादों का निपटारा है समितियों के, तो ये दोनों 20 का अंतर हो गया, बीच में कितना हो गया 64, और ये 77 के बाद हम देखेंगे 78, और 78 के बाद सीधा आ जाता है 80, ठीक है। तो 3, 2, 5, 55, 64, 77, 78, 80। तो देखिए 55 की धारा 2 में, 64 में कुछ नहीं है, ये ऐसे मैं बता चुका हूँ, और 64, 77 क और क क क क क ये दो है। 78 में भी हम देखेंगे तो 78 में, 78 में एक क, 78 एक क,
और 78 एक खा और 80 का क, इन सब धाराओं के तहत विवादों का निपटारा होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पास 55 दो 64 कुछ नहीं, 77 का क और क दो ठोका, 78 का एक का एक खा, 80 का क। यहाँ पास फिर आपको मैं बता देता हूँ इसको जी, हम ना वीडियो के नीचे में ही यही वाला इमेज देंगे जिससे जो लिखा वाला है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पास 55 एकदम मजे से पढ़िए, 77 बीच में रहेगा, 64, 64 में कुछ नहीं है यहाँ पास, फिर सीधा 78 में दो ठो है और 80 में एक ठो है, इसमें दो ठो है, इसमें दो ठो है, इसमें एक दो, 55 का धारा दो है, इसमें भी है, 78 का एक का और एक खा, ये हो गया ठीक है, और 80 का क, 80 का क, यहाँ पास ध्यान दीजिए, एक का 80 का, ये यहाँ पास क खा, यहाँ पास क और क दो ठो है 77 में। इस तरीके से इसको याद करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आसान होने जा रहा है आप लोग के लिए, अगर ट्रिक से देखिएगा तब, और ऐसे पढ़िएगा ना, प्रशासनिक प्रतिवेदन को माथा पकड़ लीजिएगा। 77 को दो भागों में तोड़ दिए, 77 को दो भागों में तोड़ दिए, क और क, इधर एक का इधर एक खा, 80 का ये। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सहकारी समितियों के विवादों का निपटारा, ध्यान दीजिए, न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संभागीय संयुक्त पंजीयक को प्रथम अपील का अधिकार प्राप्त है। तो संभागीय संयुक्त पंजीयक कौन है, मैं आपको पहले पढ़ाया था, कोर्ट पढ़ाया था, सौ सचिव उप सचिव, फिर उसके बाद आगे है ना, पंजीयक उप पंजीयक है, फिर उसके बाद संयुक्त पंजीयक है। यहाँ पर देखिए, सहकारी समितियों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन 2014 को किया गया था, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है, और छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 78(1) में सहकारी सोसाइटी के विवादों का निपटारा किया गया है। 78(1) धारा कौन सा है, 78(1) यहाँ पर हमने देखा था कि सहकारी समिति और उनके कर्मचारियों के विवादों का निपटारा, सहकारी समिति और उनके कर्मचारियों के विवादों का निपटारा 1960 की निम्न धाराओं में है। ठीक, इससे पहले हम देखे थे छत्तीसगढ़ सहकारी के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा से संबंधित संशोधन किया गया है। तो लेखा परीक्षा मतलब होता है ऑडिट, ऑडिट वाला रहेगा तो 58 है, ऑडिट वाला जो है AUDIT 58, 58 धारा कौन सा है, 58 ऑडिट, 58 मतलब ऑडी 58 लाख का है कार। ठीक, क्लियर हो गया। और कर्मचारियों के विवादों का निपटारा, सहकारी समिति एवं कर्मचारियों का, तो देखिए 55 77 बीच में 64, 78 और 80, 80 का क, 78 का एक का एक खा, 77 का क, 64 का कुछ नहीं और 55 का दो, ये धारा है। ठीक, और ये धारा जो है कौन करेगा वो भी देख लीजिए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, इसमें से पंजीयक, अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक, तो ये सब आपका क्या करेंगे, विवादों का निपटारा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास देख लीजिए, सहकारी समिति में अब यहाँ पास प्रथम अपील का अधिकार, तो न्यायालयीन प्रकरणों में त्वरित निराकरण के लिए संभागीय संयुक्त पंजीयक को प्रथम अपील का अधिकार दिया गया है। न्यायालय में जाएंगे लेट लगेगा, इसलिए यहीं पास ही निपटारा हो जा रहा है। तो सहकारी समितियों के विवादों का निपटारा 78(1) में है, 78(1) में है सहकारी समिति के विवादों का निपटारा, 78(1) है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल का गठन 2014 को किया गया था, इसका मुख्यालय बिलासपुर है, और छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 78(1) के तहत इनके विवादों का निपटारा किया जाता है। और ऑडिट संबंधी विवाद जो है 58 में करते हैं। कैंप कोर्ट का आयोजन, ध्यान दीजिए, इसका मुख्यालय बिलासपुर है लेकिन कैंप कोर्ट का आयोजन रायपुर में 2016 को प्रत्येक माह के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह को किया जा रहा है। रायपुर के अलावा दुर्ग, बस्तर और रायपुर, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बीडी रायपुर में मिलेगा, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, यहाँ पास क्या, रायपुर कैंप कोर्ट में दुर्ग, बस्तर, रायपुर संभाग के विवादों की सुनवाई की जा रही है।
कहां पास? रायपुर। कहां पास? PUR, रायपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड का निर्वाचन, ठीक, बोर्ड का निर्वाचन 50 ख, धारा 50 क ख, तो ये आपका ख है जी, 50 ख। और कौन करेगा? राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, गठन कब हुआ था? 28/10/14 को। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है? सुनील कुमार कुजूर IAS रहे हैं, और सचिव कौन है? श्रीमती सावित्री भगत। तो ये हो गया क्या आपका निर्वाचन 50 ख। और 50 में क्या है देखिए, 58 के तहत क्या होगा? ऑडिट, ऑडिट वाला जो है 58 है। और धारा 9 में क्या है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं की पंजीयन किया जाता है, धारा 9 में पंजीयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई एक शॉर्ट में सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, संपरीक्षा, विवाद और एवं निर्वाचन। साथियों ये आपका प्रशासकीय प्रतिवेदन से है, प्रशासकीय प्रतिवेदन से है। मैं अभी अलग से आपको जो अधिनियम है उसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, वो वीडियो जल्द ही आपके पास आएंगे। तो मैं ये प्रशासकीय प्रतिवेदन आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे हम और वीडियोस लाएंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रहे तो आप हमारे एप्लीकेशन पर तत्काल मैसेज करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।